प्यारी माँ, छुटकी का खत काफी देर से मिला। मैं अब पुराने पते पर नहीं रहता हूं ना, इसलिए जगह बदल ली। अब मैं तू ठीक है? पढ़कर अच्छा लगा और मुझे याद भी करती है। मैं भी तुझे रोज याद करता हूं माँ। यहां मैं ठीक ठाक हूं, अब पहले जैसी बात नहीं रही है माँ। तुझे पता है अब कामयाबी मुझसे थोड़ी सी दूर है। मुझे एक फिल्म में काम मिल गई थी जो अब पूरी हो गई है। मैंने उसमें जोरदार काम किया है माँ। प्रोड्यूसर साहब मेरे काम से बहुत खुश नजर आते हैं। उन्होंने कहा है कि वो मुझे अपनी अगली फिल्मों में भी काम देंगे। तो देखना माँ, जब फिल्म आएगी ना, तेरे बेटे को सारी दुनिया जान जाएगी और बापू जी की भी समझ में आएगा कि मैंने अपने सपनों को सच कर दिखाया। उन्होंने मुझे कभी समझा ही नहीं माँ। उन्हें क्या पता कि मैं अब यहाँ कितनी आलीशान जगह पर रहता हूँ। यहाँ सब आराम है। मैं कल रात भी एक बड़े होटल से देर तक लौटा था, एक बड़े डायरेक्टर साहब से मीटिंग थी ना, इसलिए। अब मैं कितने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करता हूँ। सभी बड़े लोगों के साथ आजकल मेरी पहचान है, तू तो देखती रह जाएगी। उनके साथ काम करने के लिए उन्हीं की तरह रहना पड़ता है, तो समझती है ना माँ। मैं अच्छा खाना खाता हूँ जो बहुत महंगा होता है। रात को सोने के कपड़े अलग होते हैं। यहाँ सब ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही रहते हैं। तू मुझे देखेगी ना तो समझ जाएगी। बात बता, क्या बारिश आने पर तालाब अभी भी भरते गांव में? बारिश तो यहां भी होती है, लेकिन मेरे पास बहुत काम होता है, इसीलिए फुर्सत ही नहीं मिल पाती। शूटिंग के लिए बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है ना। बस अपनी गाड़ी से ही बारिश देख पाते हैं। तुझे एक बात बतानी थी, मैं वो सब कुछ जान चुका हूं जो मुझे चाहिए था। ये एक बड़ा शहर है, यहां सब कुछ है। उम्मीदें, हसरतें, ख्वाहिशें रात की रोशनियों के साथ झिलमिलाती रहती है, और दिन का सूरज शोहरत, दौलत और कामयाबी का उजाला लेके निकलता है। हर किसी को उसके हिस्से की रोशनी उसकी हैसियत और तकदीर के हिसाब से मिल जाती है। मुझे भी अपने हिस्से का उजाला। एक बार फिर से गांव की बारिश में भीगना चाहता हूं। मैं अब घर लौटना चाहता हूं।